In return of my effort to guide you as much as I can, I will be very grateful if you like my video and subscribe my channel. Hello everyone, welcome to Suman Suggestion. In this video, I am going to tell you about one sari which is very unpopular. That means it is not familiar to everyone. वो बहुत ही traditional sari होती है, जो है काथा सिल्क की sari. आज मैं काथा सिल्क की साड़ी के बारे में आपको बताऊंगी भी और पहन के भी दिखाऊंगी कि ये किस तरह पहनने से लगता है. सो टुडे वीडियो विल बी गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू. इसको कारीगर करीब 2-3 महीने एक साड़ी को बनाते हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि हाउ मच इट विल कॉस्ट. और ये पूरे ही थ्रेड वर्क होता है, बहुत ही कॉस्टली होता है. और इससे तो मतलब हाई रेंज की कोई लिमिट ही नहीं है. यू कैन गेट अप टू 1 लाख ऑफ दिस साड़ी. और वैसे ये स्टार्टिंग ही 6-7 थाउजेंड से स्टार्ट होता है. इसके साथ कुछ आपको ज्यादा ऑर्नामेंट्स मीन्स इनविटेशन तो कुछ चलता ही नहीं है, झुमके उमके नहीं अच्छे लगते. इसमें सिर्फ आप गोल्ड के ही, जैसे मैं यहाँ जैसे ये गोल्ड के ये पहनी हूँ, गोल्ड के ये आप पहन लीजिए. और इसमें हेवी कुछ भी गोल्ड के नेकलेस, सीताहार, चौकी कुछ भी पहने बहुत अच्छा लगेगा. हाथ में भी ऐसे गोल्ड के पहन लीजिए, दैट्स ऑल. और बस यही आपको इतना रिच लुक देगा, इतना अच्छा लगता है इसके ऊपर. और इस पे कुछ ब्लाउज आप अगर ऐसे इस तरह के जैसे लाइट कलर के ये सब साड़ियां होती है, और इस पे इस तरह के ऐसे थ्रेड से ही, ये कलरफुल भी थ्रेड होते हैं, ऐसे भी थ्रेड, इस तरह के ये सब, ये पूरे ऑल ओवर देखिए थ्रेड से बनाए गए हैं, ऐसे होते हैं. तो इस पे अगर आप ब्राइट ऐसे बहुत, इसमें डिजाइनर भी नहीं चलता है ब्लाउज, क्योंकि ये ऑलरेडी काफी हेवी साड़ी होती है. इस तरह ऐसे अगर आप सिल्क की ही ब्लाउज अगर आप इस पे पहन ली तो बहुत अच्छा लगता है. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड आई विल शो यू हाउ टू वियर दिस साड़ी एंड हाउ डज इट लुक ऑन मी. ये प्योर सिल्क की साड़ी होती है, यानी स्टिच प्योर सिल्क पे ही किया जाता है. बॉर्डर में भी ऐसे पूरे साड़ी ऑल ओवर बॉर्डर है चारों तरफ, और इस तरह ये बनाए हुए है. तो यू कैन इमेजिन हाउ मच टाइम इट विल टेक टू स्टिच. इतने बारीकरी से, इतना बैठ बैठ कर जो ऐसे बनाते हैं, नेचुरली दे विल टेक टाइम. सो दिस साड़ी बिकम्स वेरी कॉस्टली. इस पे वर्क हाफ एंड हाफ भी होता है एंड ऑल ओवर वर्क भी होता है. मेरी साड़ी हाफ एंड हाफ है, ये देखिए पूरे हाफ में पूरे बहुत ही महीन स्टिच किया गया, बॉडी में इस तरह के स्टिच किए गए हैं. मैंने ब्लाउज पीस है, काटा नहीं है. ये सिल्क की मटेरियल होने के चलते बहुत ही सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल होता है. मैं खुद फील कर रही हूँ इतनी, मतलब सिल्क अच्छी सॉफ्ट है. और बस केवल इसमें स्टिच होने के चलते इसका वेट बढ़ जाता है, इसलिए इसे हमेशा ओपन पल्लू ही पहना जाता है. और वैसे भी इसको दिखाने के लिए तो खोल के ही दिखाना पड़ेगा. मैंने सिंपल जैसे नेवी स्टाइल के साड़ी पहनते हैं वैसे ही कमर में स्ट्रक करके, और सिंपल मैं उधर से टान कर बैक साइड से इधर लाकर इसमें मैं ऐसी अंदर टक कर ली. पिन अवॉइड ही करें,
क्योंकि सिल्क की साड़ी इतनी कॉस्टली साड़ी पीन देकर बर्बाद ना करे। और ये सिंस इतना मोटा इसका वर्क है कि मैं अगर ऊपर से इसका प्लीट बनाऊ ना तो एकदम प्लीट्स नहीं बनेगा, नीचे में पूरा घाघरा की तरह फूला ही रह जाएगा। सो मुझे नीचे में इस तरह प्लीट्स बनाने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, अब मैं दूसरे वीडियो में भी आपके मोटे बॉर्डर वाली साड़ी को कैसे अच्छे से प्लीट्स बनाए जाते हैं काफी डिटेल में और अच्छे से दिखाई हूँ। वैसे इसमें भी आप देखकर समझ सकते हैं कि कैसे ये मैं पहले नीचे से बनाकर प्लीट्स को लाई हूँ और फिर ऊपर में बना रही हूँ। तो देखिएगा आप, मैं जब खोलूंगी ना तो प्लीट्स एकदम सटे हुए अच्छे से अपने जगह पर एज इट इज रहेंगे। तो इस तरह के मोटे जो बॉर्डर वाली साड़ियाँ होती है ना, उसको मैं जैसे इस साड़ी में बनाई हूँ प्लीट्स, वैसे ही बना ले तो अच्छा होगा। देखिए और कैसे ये एकदम अपने प्लेस पे है ना। और फिर मैं ऊपर में एक पिन देना मुझे पड़ गया क्योंकि भारी होने के चलते अगर यहाँ मैं बेली के नीचे में पिन न लगाई तो फिर ऊपर नीचे हो जाएंगे, खिसक जाएंगे और मैनेज करना भी संभालना मुश्किल हो जाएगा। फिर मैं अंदर से ये कपड़े को टान कर इधर ले आई और पीछे मैं एक्स्ट्रा कपड़े को टक कर दे रही हूँ और फिर सारे कपड़े अपने पीछे बैक वाले को भी टान कर सामने में अच्छे से ले आई, ये पल्लू खोल दी और ठीक से मैं कर ले रही हूँ। ऐसे ये साड़ी पहनना बहुत ही आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बॉडी में बहुत अच्छा फिट बैठ जाता है और ये पहनकर आपको इतना एलिगेंट एंड रिच लुक देगा ना कि ये साड़ी आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो मस्ट बी इंटरेस्टिंग फॉर यू। और स्पेशली जो इस साड़ी से नहीं वाकिफ होंगे उनके लिए तो ये बहुत ही हेल्पफुल भी होगा। सो फॉर दिस रीजन आई मस्ट गेट वन लाइक फ्रॉम यू एंड यू मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।